हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में देखे थे कुछ न्यूमेरिकल और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े थे, तो चलिए उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आएगा उसको देखते हैं हम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल रखा हूँ कि आप सिक्वेंस से पढ़ते रहें। जो भी बच्चे सडनली देख रहे हैं इसको ना देखें, इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस चैप्टर जितना भी है वो देखना पड़ेगा, रिलेटेड होता है ये, ठीक है। और कॉपी पेन तो जरूर रखें, उस पर आप रिवीजन करके चले, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर एंड फोर्स बिटवीन देम इज 162 न्यूटन। नाउ द कंप्लीट सिस्टम इज इमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। देखो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्ज है और वो एयर में है ना, दो चार्ज और वो एयर में है। तो एयर में होगा तो एयर में आप जानते हो सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान से देखिए। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और K का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है बिल्कुल। और देखो यार रिलेशन क्या पढ़ाए थे तुमको, रिलेशन पढ़ाए थे कि अगर F डैश निकालना है तो F डैश इज इक्वल टू F बाय E R एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी है ना। चलो देखो ध्यान से देखो, ये आपको बताया गया ऑलरेडी, बताया गया ना ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ई आर को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, अब देखो गिवन है, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा क्या है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के नहीं लिखना है यहाँ पे, जनरली हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे ताकि हम लोग रिलेट कर सके जब एप्सिलॉन नॉट के साथ ईआर मल्टीप्लाई है ना। तो देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 162। क्वेश्चन दिया हुआ है ना बच्चों, टू चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर एंड फोर्स बिटवीन देम 162 न्यूटन। मतलब जब एयर में हो, मतलब मैं ऑलरेडी बता रखा हूं कि वैक्यूम एयर में वैल्यू सेम होता है, जब एयर में है उस समय फोर्स का वैल्यू कितना, इतना दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि कंप्लीट सिस्टम को वाटर में इमर्ज कर दीजिए, अगर वाटर में रख दें कंप्लीट सिस्टम को, एयर में था तब फोर्स क्या होगा, है ना, फोर्स, इस फोर्स की बात कर रही है। अरे वाटर में जब रखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी में, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा किसी भी मीडियम में रखेंगे, तो मैं बताया था ना कि फोर्स चेंज होगा, कम होगा। तो F डैश इज इक्वल टू F, ये जो F रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा F, ये वाला फोर्स, मैं समझाया हूं, एक्सप्लेन भी किया हूं। F मींस व्हाट, फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर जो कि दिया हुआ है। अब देखो इस सिस्टम को, दो चार्ज का जो सिस्टम है उसको किसी मीडियम में रख दे, मीडियम क्या है इस समय, वाटर, तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 80 या 81, मैं बता रखा हूं। तो F डैश निकालना है तो F डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, F का वैल्यू कितना, 162, और वाटर, वाटर का कितना, 81, तो कितना हो गया, 2। दिस इज योर आंसर ऑफ द हेक्सागोन। चलिए देखिए एक सवाल देखता हूं, ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से। एक हेक्सागोन है,
चार्ज दिया हुआ है ना, और एच ऑफ द वैल्यू क्यू, पांच चार्ज का वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू है, आर प्लेस्ड ऑन फाइव वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड एल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसको आप सीखेंगे। दिस इज द हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन में इसको मान लो ए बी सी डी ई एफ। अब पांच रेगुलर चार्ज लेना है स्मॉल क्यू, दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागोन पे, तो क्यू 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 और क्या क्यू, और इसके सेंटर पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। देखो बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेंटर पे कितना, माइनस क्यू, और किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे रेगुलरली होगा स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, और सेंटर पे कितना हो गया, माइनस क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि जिस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं है ना, अब पूछा गया आपसे कि प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड फाइव पॉइंट चार्ज ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन फाइव वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड एल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम, माइनस क्यू कूलम के कारण है ना, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखेंगे हम लोग। चार्ज देखो प्रेजेंट कहां पे नहीं है, ए पे नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट किया किया, चलो इसको मान लेते हैं एफ वन, ठीक है, ये भी इसको अट्रैक्ट किया क्या, एफ टू, ये भी इसको अट्रैक्ट किया कितना, एफ थ्री, ये भी इसको अट्रैक्ट किया कितना, एफ फोर, ये भी किया कितना, एफ फाइव। चलो ध्यान से, अब देखिए कूलम्स लॉ में मैं आपको पढ़ाया हूं, ध्यान से देखोगे कूलम्स लॉ में मैं पढ़ाया हूं आपको, अगर आप इस पेयर की बात करें प्लस माइनस क्यू चार्ज, इस पेयर में भी 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 प्लस माइनस क्यू चार्ज, और मैं क्या बताया था, अपोजिट नेचर होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट किया इस डायरेक्शन में, ये भी अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट किया। अगर आप देखना चाहें, अगर एक पेयर की मैं बात करूं इसका, तो कितना होगा इसका वैल्यू, के क्यू इंटू क्यू बाय साइड कितना दिया हुआ, अगर सेंटर से देखेंगे आप हेक्सागोन में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये एल दिया हुआ है, साइड कितना, एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इक्विलेटरल होता है, आपने को एक साइड पता है एल, तो ये भी क्या है, एल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एल एल एल, मतलब सारा साइड क्या हो जाएगा, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, एल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अपोजिट फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड हो तो क्या करता है, कैंसल कर देता है, ये भी कैंसल कर देगा, इसको बचा कौन, ये ना, क्योंकि यहां पे तो चार्ज है नहीं, ये बच गया। मतलब आप कह सकते हो कि फोर्स जो होगा वो कितना होगा, अब देखिए इसको कैंसल, अगर यहां पे भी एक चार्ज होता प्लस क्यू तो ये भी अट्रैक्ट होता इस डायरेक्शन में, है नहीं, अगर होता तो कैंसिल हो जाता, नेट फोर्स जीरो हो जाता, चूंकि यहां पे प्रेजेंट नहीं इसलिए इस चार्ज के कारण इस पर डेवलप होगा फोर्स और वो बच जाएगा, रिमेनिंग फोर्स विल बी ड्यू टू दिस चार्ज ओनली अलोंग दिस डायरेक्शन एडी, अलोंग एडी डायरेक्शन।
आप क्या लिखोगे, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहां पे कि देखो बालक, अगर कूलम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो कैंसिल हो जाता है। ये भी कुछ इस डायरेक्शन में, ये कुछ इस डायरेक्शन में, कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये रिमेनिंग फोर्स है ना अलोंग एडी डायरेक्शन, दैट इज योर आंसर। मैक्सिमम एंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो लेस ग्रेट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ग्रेट लेस देन जीरो मैक्सिमम, सॉरी ग्रेटर देन जीरो यू विल बी मिनिमम। लेस देन जीरो यू विल बी मैक्सिमम एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए देखो बच्चों, मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, इसको ध्यान से आप समझेंगे, इससे सवाल रहेगा आगे भी, अभी करवाऊंगा न्यूमेरिकल। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजिशन, है ना। अगर किसी पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब किसी पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल है और उस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो ना। और उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं एनएलएम में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो देन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। यहां पे कहां पर होगा, किसी ना किसी पोजीशन पे तो होगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल पे होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स अगर जीरो हुआ तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो ना। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है उस पोजिशन पे अगर फोर्स, मतलब बहुत सारा चार्ज सराउंडिंग में, उसके कारण नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम है। और उस पोजिशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजिशन बोलेंगे। चलो अब टाइप्स देखते हैं इसका, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हालांकि 11th के चैप्टर में भी आना था, उससे कोई मतलब नहीं है, देखते हैं, ग्रेविटेशन में भी था। तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, समझना है, ध्यान से देखिए। और चार्ज इज इनिशियल, जैसे मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है किसी भी सिस्टम में, जैसे मान लो ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, चूंकि अभी स्पेस नहीं तो डायग्राम में बोर्ड पे नहीं दिखा रहा हूं, इसके बाद बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कि ये चार्ज क्यू वन है, ये चार्ज क्यू टू है, अगर इसके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल रख दिए, थर्ड चार्ज पार्टिकल, उसको अगर डिस्प्लेस करें अब फिर से वापस अपने पोजिशन पे आ जाता है, दो चार्ज है क्यू वन क्यू टू, तीसरा चार्ज पार्टिकल रख दिए, उसको या तो इधर लाओ या तो उधर ले जाओ, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले जाओ, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर निगेटिव, तो
इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर है उसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करें लेफ्ट या राइट, फिर भी वह अपने पोजीशन पे रिटर्न्स बैक आ जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर नहीं आता है, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन चला जाएगा, मतलब इनिशियली जैसे दो चार्ज पार्टिकल, इसके बीच में चार्ज पार्टिकल है, इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग में ले गए और ये वापस नहीं आया, जाते रहा, कभी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आया, तब उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? अगर मान ले कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उसको डिस्प्लेस कर दिए, फिर भी वह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है आफ्टर डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेस करने के बाद भी अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलिए देखिए, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। यू यू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे और ये ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो मैक्सिमम मिनिमम है, पढ़े होंगे बेसिक क्लास में, नहीं पढ़े होंगे तो आप देखिए, U क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिफरेंशिएट किए दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या? अगर जीरो से बड़ा है तो मिनिमा होगा, मतलब U विल बी मिनिमा, है ना। अगर डिफरेंशिएट किए हो और लेस देन जीरो आया है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद लेस देन जीरो आया है, मतलब मैक्सिमा होगा, उस समय यू क्या होगा? मैक्सिमा। ये पढ़े हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन नहीं, आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन इफ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो देन इट विल बी मिनिमा, आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन इफ वैल्यू लेस देन जीरो देन इट विल बी मैक्सिमा, एंड आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन वैल्यू इज जीरो देन इट इज न्यूट्रल, कुछ नहीं, नहीं तो मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करने के लिए या तो बड़ा होना चाहिए जीरो से या तो छोटा होना चाहिए, नहीं तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मैक्सिमा। इसमें क्या हो रहा है? मिनिमा, बेसिक में पढ़े हैं। ठीक है। और देखो, अगर चार्ज पार्टिकल को हम रखेंगे तो एनर्जी से ही रिलेट करेंगे ना, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होगा, उसको उसका जो एनर्जी होगा अगर ग्रेटर देन जीरो आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखेंगे, तब ये क्या होगा? मिनिमा। और आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो देन ये मिनिमा, अगर इक्वल टू जीरो देन इट इज द न्यूट्रल। समझ गए आप? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम समझ गए, कोई चार्ज पार्टिकल है उस पे जितने भी सराउंडिंग में चार्ज पार्टिकल है उसके कारण नेट फोर्स जीरो होगा, तब क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे वह जीरो हुआ, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैं इक्विलिब्रियम डिफाइन किया, इट विल बी अस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अस्टेबल मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेस करने के बाद भी वो आ जाए तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस करने के बाद कभी नहीं आए वापस तो अनस्टेबल, और डिस्प्लेस करने के बाद उसी पोजीशन पे वो फिर से इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब जितना डिस्प्लेस करें इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखते हैं इसके पे कुछ न्यूमेरिकल। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। चलो बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल में देखते हैं कि अस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब क्या होगा, और अगर अनअस्टेबल इक्विलिब्रियम है तब क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, चलो प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझो इसको, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स बी एंड ए, तो बी और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट, मतलब एक चार्ज बी पे है दूसरा चार्ज ए पे है। अनदर टेस्ट चार्ज मतलब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है आर आल्सो प्लेस्ड एट ओ, मतलब ओरिजिन पे लाए। अभी मैं बताऊंगा पोजिशन लूंगा फिर ओरिजिन ओरिजिन शो करूंगा। अगर ओरिजिन पे लाए सो द इक्विलिब्रियम एट ओ इज, मतलब अपने को शो करना है, क्या शो करना है, अस्टेबल फॉर अलोंग एक्स एक्सिस, अनस्टेबल फॉर डिस्प्ले, अनस्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में अनस्टेबल शो करना है, एक्स एक्सिस में अस्टेबल शो करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स एक्सिस पे चार्ज है क्यू तो एक्स एक्सिस पे अस्टेबल होगा तभी तो शो करेंगे ना, और वाई एक्सिस पे अनस्टेबल होगा। डायग्राम से देखते हैं, चलिए देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। अब देखो एक्सिस क्या हो जाएगा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब तुम देखो चार्ज क्यू बी पे और चार्ज क्यू ए पर है, मतलब ए कुछ यहां पर है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, मतलब माइनस ए और जीरो। बी बी पे बी कुछ यहां पर और कोऑर्डिनेट क्या ए एंड जीरो, कोऑर्डिनेट नीचे लिख लेता हूं ए और जीरो। चलो ध्यान से देखो ए कुछ ये हो गया और बी कुछ ये हो गया। अब देखो चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, ये भी क्या हो गया कैपिटल क्यू, ऑरिजिन यहां पे होगा ना जीरो जीरो। अब ऑरिजिन पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज क्यू नोट कहां रखा हुआ है, ऑरिजिन पे रखा हुआ है क्यू नोट। चलो देख अब अस्टेबल फॉर अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, स्लाइटली डिस्प्लेस करूं इसका मतलब ये हो गया कि अस्टेबल के लिए सबसे पहले तो कंडीशन देखेंगे, इस चार्ज के कारण फोर्स और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स। ध्यान से देखोगे इसके कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एफ, ओ पे देख रहे हैं ना चार्ज ए के कारण एफ ओ ए। अब देखो ओ पे देखेंगे बी के कारण तो क्या कुछ इस डायरेक्शन में एफ ओ बी होगा कुछ इस डायरेक्शन में। देखिए इस चार्ज के कारण क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में रहा है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अपने को पता है अगर अस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है तब नेट फोर्स जीरो रहेगा ना, अगर ये और ये दोनों बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया तो कैंसल हो जाएगा, कैंसल होगा तो ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब आप कह सकते हैं इन केस ऑफ अस्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स विल बी सेम, फोर्स क्या होगा सेम होगा बराबर होगा एक दूसरे का। नाउ यू कैन राइट एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ ए, मोड़ लगा लेंगे है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव हो जाएगा एक साइन में, मोड़ लगा लेंगे फोर्स सेम हो गया, समझ रहे हो इसको। चलो देखते हैं
मतलब चलो इसको चलिए, आपको ये कंडीशन क्लियर हो गया, आप ये कंडीशन समझ गए कि फोर्स सेम होगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से कि इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्यू नोट को यहां पे लाऊं, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लाऊं, क्या किए, डिस्प्लेस कर दिए। तो देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो इस ए पे जो चार्ज है, इसके कारण इस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि डिस्टेंस बड़ा हो गया, चार्ज तो सेम ही ना है पेयर में, डिस्टेंस बड़ा हो गया। और इस चार्ज के कारण इस पे देखोगे, इस चार्ज के कारण इस पे, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या बड़ा हो गया, क्योंकि डिस्टेंस छोटा हो गया। छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आएगा। तो आप लिखोगे इफ चार्ज क्यू नॉट इज डिस्प्लेस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस लाइन को समझोगे, ये जो चार्ज क्यू नोट था ओरिजिन पे, इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब क्या होगा, ए के कारण जो इस चार्ज पे फोर्स है वो डिक्रीज करेगा, इसके कारण जो इस पे था वो बढ़ेगा, सेम नहीं होगा, है ना? क्योंकि ओरिजिन पे था तो डिस्टेंस क्या सेम हो गया था, ए, और यहां से भी ए। मतलब यहां पे अगर वैल्यू देखना चाहें तो आप क्या लिखोगे, के क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर, इसलिए बराबर। अब चलिए देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ओ पर, मतलब मान लेते हैं ना वो पॉइंट यहां पे आ गया बाद में डिस्प्लेस करने के बाद, या मान ले कि इसको क्यू नॉट ही रहने दो। मतलब देखो समझिए इसको कि यहां पे था ना चार्ज क्यू नॉट, थोड़ा आगे आ गया, आगे आ गया, तो इसके कारण इस पे जितना फोर्स होगा, इसके कारण इस पे कितना फोर्स होगा, इस फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, इसमें क्या डिस्टेंस घट गया, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो फोर्स ओ ए कब, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किए, ओ ए क्या छोटा, और फोर्स एफ ओ बी क्या बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब चलो देखो, तुम ध्यान से समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमने इसे डिस्प्लेस किया यहां पे, तो देखिए बी के कारण जो फोर्स ओ पे लग रहा था, जो पहले लग रहा था, वो क्या है, अब जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किए चार्ज क्यू नोट को, ये बड़ा हुआ। अब ये बड़ा है, ये चार्ज को ओरिजिन से हमने शिफ्ट कराया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, और इस चार्ज के कारण जो इसमें फोर्स लगेगा, देखो बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये बड़ा अगर है तो इसको ये डिस्प्लेस नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेगा तो ये जो पॉइंट था ओरिजिन था, क्यू नॉट चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन था, अगर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किया तो फिर से ये वापस यहां पे आ जाएगा। अगर आप इधर भी डिस्प्लेस करता, अगर इसको आप इधर भी डिस्प्लेस करते, फिर भी ये वापस आ जाता। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये चार्ज क्यू है ए पर, क्यू है बी पे, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करोगे फिर भी ये वापस आ जाएगा, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करता फिर भी ये वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन तो क्या बोलेंगे, देन इट विल
इट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाए। क्लियर है, समझ में आया? चल ठीक, अब देखते हैं हम लोग अनस्टेबल वाला। ठीक है, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट का देख रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है, अभी लिखवा चुका हूं, पॉज करके देख लेंगे आप। देखिए, ये ए था, ये माइनस ए जीरो, कुछ ये बी था प्लस ए जीरो, और ये ऑरिजिन जीरो जीरो। दिस इज द वाई एक्सिस वाई, एंड दिस इज द नेगेटिव वाई। चलो ध्यान से देखो, इस पोजीशन ए पे चार्ज कितना क्यू, और बी पे चार्ज कितना क्यू, और इस पॉइंट पे चार्ज क्या क्यू नॉट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है। इसके पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग देखा था, अब मैं वाई के अलोंग देख रहा हूं। अब देखो बच्चों ध्यान से समझो कि अगर इस चार्ज को यहां पे ले आते हैं हम लोग, अगर लाते हैं क्यू नॉट को, तो देखो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पॉइंट को क्या मान ले, ए बी पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया। अब देखो इस पॉइंट पे इसके कारण क्या होगा, एफ पी ए, ए के कारण पॉइंट पी पे, क्योंकि चार्ज यहां आ गया ना, मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहा हूं। अब देखो इसके कारण भी क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ए पे, इसको रिपेल किया, ये पॉजिटिव चार्ज बी पे, इसको रिपेल किया, तो इसको आप लिख सकते हो एफ पी बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, अगर इसे थीटा मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, इसे भी थीटा मान लेता हूं, तो अपोजिट एंगल क्या थीटा। ये पॉइंट पी था बालक, ये जो है ना पॉइंट, ये क्या है पी है। अब ध्यान से देखिए, अगर कंपोनेंट ब्रेक करूं तो क्या होगा, थीटा ऊपर है तो एफ पी ए कॉस थीटा, ये क्या होगा एफ पी ए साइन थीटा, एंड दिस इज द एफ पी ए साइन थीटा, और ऊपर क्या एफ पी ए कॉस थीटा। क्लियर है, थीटा अगर मान लिए तो, है ना। चलो देखो, तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कर दिया, और इस फोर्स को आप ध्यान से देखिए, मतलब आप कह सकते हैं ये कैंसिल क्यों करेगा, क्योंकि देखो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि अगर मान ले कि ये आर चला, ये ए है, तो ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी कितना होगा, ये ए है और ये आर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ रहे हो बालकों एवं बालिकाओं, देखो तो ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, चार्ज इस पेयर में चार्ज सेम, इस पेयर में भी चार्ज सेम, तो आप कह सकते हैं एफ पी ए इज इक्वल टू एफ पी ए इज इक्वल टू एफ पी बी, यहां पे बी होगा, एफ पी बी का कंपोनेंट है, यहां पे भी बी होगा, इसका एक कंपोनेंट ये, इसका एक कंपोनेंट ये, इसका एक कंपोनेंट ये, और इसका एक कंपोनेंट ये, और आप जानते हो एफ पी ए के कारण पी पे जितना होगा उतना ही बी के कारण पी पे होगा, एफ पी बी। इसका वैल्यू अगर देखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, के क्यू क्यू नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हमें समझना क्या है, ध्यान से देखो कि along y एक्सिस गए अगर इस पॉइंट पे है तो इसके कारण फोर्स लगा, इसके कारण फोर्स लगा, तो along x एक्सिस x कंपोनेंट क्या हुआ कैंसल हो गया,
और y कंपोनेंट में क्या हुआ, ऐड हो गया, तो इस पे फोर्स डेवलप होगा और ये मूव करता रहेगा, जाएगा वापस आएगा कभी, बिल्कुल नहीं। अगर इस पॉइंट में देखते निगेटिव में, फिर भी क्या होता है, नीचे आता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वापस फिर आता कभी नहीं आता। तो जब वापस आएगा ही नहीं, देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कहां चला जाएगा ये, इन्फिनिटी चला जाएगा ड्यू टू कूलम फोर्स, है ना। चलिए ठीक है, समझ गए इसको। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखो बच्चों, इस सवाल को करेंगे तो इससे आप, इस क्वेश्चन से आप सीखेंगे क्या, SHM का भी थोड़ा सा यूज होगा इसमें, चार्ज पार्टिकल SHM में है या नहीं है। तो ऐसा जब सवाल होगा तो आपसे पूछा जाएगा टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होगा वो बताइए, SHM में है या नहीं है वो बताइए। तो आपको पता है, कुछ बच्चे हो सकते हैं नहीं पढ़े हो, तो मैं लिख दे रहा हूं कि F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होता है, ध्यान से देखोगे इसको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होता है अगर, और फोर्स का F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होगा, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट अगर डिस्प्लेसमेंट का हुआ, x मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज इन SHM, ठीक है। और f इज इक्वल टू जनरली होता है माइनस kx, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का जो साइन है और फोर्स, x का जो डायरेक्शन है और फोर्स का जो डायरेक्शन हो अपोजिट में है, और SHM का एक कंडीशन होता है, ठीक है। इतना ही जानना है SHM के लिए। दूसरा, अगर ब्लॉक कभी SHM में होता है, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना, सवाल आते हैं इससे। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट m बाय k। चलो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर, कि t इज इक्वल टू 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट m बाय k, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था SHM में, कुछ बैच में मैं पढ़ाया हूं, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उसको भी थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप इसको याद रखें, इसको याद रखें कि पार्टिकल अगर SHM में रहा, आगे पीछे रहा, अगर ऑक्सीलेट कर रहा है ना, तब टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई के होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट एम बाई के। एम क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, के क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू जो माइनस के एक्स हो गया, उस समय एफ स्प्रिंग फोर्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा पार्ट था इसको समझने के लिए जो मैं समझा चुका हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि दो चार्ज पार्टिकल, दो अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन टू फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल इज हैविंग अ चार्ज q। देखो दो चार्ज है स्मॉल q और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। सॉल्यूशन देखिए इसका, दो चार्ज हो गया q और ये q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट, 2L। अब कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज स्मॉल q है, और उसको रखा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूफ दैट मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी SHM इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड रिलीज्ड, आल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। और सेंटर पे रखा जाता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोकेटेड मिडवे बिटवीन टू फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल्स। क्वेश्चन समझ रहे हो ना,
कि नहीं? देखो, दो चार्ज पार्टिकल है, इसके मिड लोकेटेड मिडवे, मतलब बीच में लोकेट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए SHM होगा कि नहीं होगा, अगर पार्टिकल को, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग लाइन कनेक्टिंग देम, ये दोनों के बीच का जो लाइन है, इस लाइन को जो कनेक्ट कर रहा है उसमें स्लाइटली हम लोग क्या किए, डिस्प्लेस किए। तो डिस्प्लेस यार तुम राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, इससे क्या, कॉन्सेप्ट तो सेम है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि थोड़ा सा इधर आए, कितना मान लिए, यहां से देखो ये टोटल 2L है, इसको आप क्या मान लें, एक्स मान लें, तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ये चार्ज जब यहां आएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल, 2L टोटल, तो मिड से सेंटर से कितना L, ये x डिस्प्लेस किए स्लाइटली, मतलब x बहुत छोटा है कंपेयर टू L, L जो लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है x, तो L माइनस x, और ये डिस्टेंस कितना, L प्लस x, ठीक है। चलो उम्मीद करते इतना समझ गया होगा। अब देखो यार, ये डिस्प्लेस हुआ इस पोजीशन पे, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब देख, ए के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन, मतलब F1, या इस पॉइंट को आप मान लो P मान लो, ठीक है, तो ए के कारण पी पे क्या होगा, एफ पी ए कुछ इस तरफ, इस चार्ज के कारण इस पे क्या, कुछ ऐसा, इसके कारण इस पे क्या होगा, कुछ ऐसा, बी पे जो चार्ज है इसके कारण पी पे, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, कुछ ऐसा हो गया, आया ना इधर, मतलब इसके कारण, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स ये, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स कुछ ये, मिडवे था, मिडवे को हम लोग क्या करें, स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हैं लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो। चलो देखो, चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो चूंकि आप पॉज करके देख लेंगे है ना, चलो ध्यान से देखो, ये एफ पी ए और एफ पी बी का वैल्यू, कूलम फोर्स का, मतलब कूलम फोर्स से कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों बताओ एफ पी बी का वैल्यू कितना होगा, मतलब पी पे बी के कारण के Q इंटू क्यू, डिस्टेंस कितना, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके कारण इस पे, P पे A चार्ज के कारण, ये था ना A चार्ज के कारण, डिस्टेंस कितना, L माइनस एक्स, तो क्या लिखोगे, एफ पी एज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे यार अब तो तुम बता सकते हो ना, ये बड़ा या ये बड़ा, ऊपर का वैल्यू सेम, नीचे ये बड़ा ये छोटा, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ पी बी का वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, या ऐसा करता हूं एक स्टेप पहले लिख दे रहा हूं, नहीं सभी लोग समझ जाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एफ पी ए माइनस एफ
डी, बड़ा माइनस छोटा नेट फोर्स, इसका वैल्यू क्या कुछ ये लिखा हूं, माइनस इसका वैल्यू क्या कुछ ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए आंसर। इस डायग्राम को रख रहा हूं ताकि इसमें समझाऊंगा आपको कि एस एच एम कैसे हुआ। देखिए तो कॉमन करिए, क्या मिलेगा कॉमन, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर वन बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एक्स, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स बाय क्या होगा, देख लो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा का स्क्वायर, समझ लो इसको, देखो इसको लिख सकते हो ना, एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स, एल प्लस एक्स इंटू एल प्लस एक्स, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दो बार आएगा तो स्क्वायर कर दिए मैथमेटिक्स का। चलिए देखिए, अब माइनस को अंदर लाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू स्क्वायर बाय एक छोटा सा टर्म, चूंकि आप जानते हैं एल बहुत बड़ा है किससे, एक्स से, क्यों, क्योंकि एक्स स्लाइटली मूव किया है, एक स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एल। तो देखो अगर स्क्वायर की बात करें एल स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स क्या हो गया टेंस टू जीरो, तो आप क्या लिखोगे एल टू दी पावर फोर और टू एल एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस टू एल एक्स क्या हो जाएगा फोर एल एक्स। अब देखिए एल और एल का पावर कैंसिल हो गया एक तो थ्री बचाया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू स्क्वायर बाय एल क्यूब एल टू फोर और क्या एक्स, क्लियर है। अब देखो अपने पास क्या आया, फोर्स का वैल्यू एफ इज इक्वल टू फोर के क्यू स्क्वायर बाय एल क्यूब इन टू एक्स, अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा। देखो हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, नेट फोर्स, और नेट फोर्स कैलकुलेट किए हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स के टर्म में आया है ना, एफ इज इक्वल टू के एक्स के टर्म में आया है, तो एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हो, एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हो, यहां पे समझना जरूरी है, एफ देखो ये कांस्टेंट हो गया ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। अब देखो यार ध्यान से तुम देखना, बहुत ध्यान से देखो, एक्स इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा बड़ा था, एक्स देखो क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, फोर्स कौन सा बड़ा था एफ पी ए, पी ए मतलब क्या ये हो गया, ये बड़ा ये छोटा, मतलब बड़ा माइनस छोटा नेट फोर्स का ये डायरेक्शन, और चूंकि वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ना एक्स, मतलब नेट फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मिड वे से लेफ्ट और नेट फोर्स राइट, मतलब फोर्स राइट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और फोर्स का जो डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन हो डिस्प्लेसमेंट का, तब उस पार्टिकल का मोशन को है ना क्या बोलेंगे एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम कह सकते हैं
इट विल बी एसएचएम, इट इज द एसएचएम, इट इज एसएचएम, तो क्या होगा? इट इज एसएचएम, मतलब इट इज सो द एसएचएम, या एसएचएम सो करेगा, समझ गए ना? एसएचएम है या नहीं है ये आपको कैसे पता करेंगे वो मैं बता दिया हूं, ठीक है? चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अपने को, तो टाइम पीरियड देखिए, अब डायग्राम की यूज नहीं, डायग्राम में एक्चुअली समझाना था फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ध्यान से देखोगे, अगर एफ इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ रहा है क्या, फोर के क्यू स्क्वायर, फोर के क्यू स्क्वायर बाई एल क्यूब इंटू एक्स, क्या है ना? तो चलो देखो, एफ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यार चूंकि आपको एसएचएम से रिलेट करवा रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना है बोर्ड पे। तो एफ इज इक्वल टू ये जो टर्म आया के जैसा, ये एक्स, तो अब देखो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है एक्चुअली माइनस है, तो माइनस यहां भी हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है ना, तो यहां अपोजिट साइन के कारण निगेटिव नहीं लिए है, तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग एफ इज इक्वल टू के एक्स ले लें, मतलब या तो कंपेयर कर लें इसी में के एक्स। इस टर्म को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है ड्यू टू चार्ज ऑफ पार्टिकल कूलम फोर्स के हेल्प से और एसएचएम में है, और अपने को पता है कि एसएचएम में अगर कोई भी पार्टिकल होता है तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है? माइनस के एक्स मतलब माइनस रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे भी मैं शो कर दिया हूं कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां भी माइनस आ जाएगा, तो यहां माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस कैंसल, तो ये बच जाएगा डायरेक्ट दिस इंटू एक्स और क्या के एक्स। तो के का वैल्यू क्या होगा बालक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना, अगर एसएचएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा तो जो प्रोसेस में बताया हूं उसी प्रोसेस से फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उस फोर्स को इक्वेट कर देंगे किससे, के एक्स से, ठीक है? तो के का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये और ये कब बराबर होगा, जब एक्स सिमिलर है इसका मतलब के का वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो के इज इक्वल टू क्या होगा फोर। अब देखो ये जो के है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ना, और यहां पर ये जो के है इसका वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस के को चेंज कर लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखिए फोर के का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या क्यू स्क्वायर बाय एल क्यूब इंटू एक्स है ना, तो फोर और फोर क्या कैंसल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या के एक्स, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई कितना पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू के एक्स। अब देखिए ध्यान से, देखो बालक यहां पे जो के एक्स था ना, ये क्या के क्या रिप्रेजेंट कर रहा, स्प्रिंग कांस्टेंट एसएचएम में, और यहां पे देखो के क्या था, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको चेंज कर लिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो बाय द वे आपको लगता कि ये भी ये के और ये भी के कैंसिल क्यों नहीं, लेकिन ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के निकाल लिए। अब के देखो इसको इससे रिलेट कर दिए, अब के निकाल लें हम लोग, के फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप, बहुत आसान है बट है क्या, आप सिंसियर होकर सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू कितना होगा क्यू स्क्वायर बाई पाई
एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब आ गया के का वैल्यू, हाँ या ना? हाँ। अब यार के पता है, और स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं बता रखा था टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट एम बाय के, और ये के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये के भी क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, मैं निकाल लिया हूं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट, के का वैल्यू पुट करेंगे ऊपर जाएगा, कितना मिलेगा m पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब बाय क्या q स्क्वायर, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, चलो देखो इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, इसमें बॉयंसी फोर्स का भी यूज है और टेंशन का भी यूज करेंगे और कूलम फोर्स का भी होगा, तो सीखेंगे इससे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए ध्यान से, आप क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल When suspended in liquid, in a liquid of density, अब देखो लिक्विड का डेंसिटी क्या 0.8 ग्राम सीसी है ना, द एंगल रिमेन द सेम, वॉट इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड। अब देखो यार सवाल को समझेंगे, सवाल तो आप छाप लेंगे, सवाल को समझना है क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। देखिए क्या बोला गया, पहले समझ लेते हैं, कोई स्ट्रिंग है कोई सीलिंग है, मान लो स्ट्रिंग है, दो चार्ज पार्टिकल है, पहले वो क्या है वैक्यूम में है, फिर उसको वो सिस्टम को लाया गया कहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, और डेंसिटी दिया हुआ है लिक्विड का भी और जो स्फीयर है जो पार्टिकल है स्फीयर का भी दिया हुआ है, देखो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्फीयर इज दिस। अब हमें फाइंड आउट करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। चलो ध्यान से देखो, चलो स्ट्रिंग कुछ यहां पे है, कुछ ऐसे है, थीटा कितना मान लिए थीटा। अब देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, होगा ये थीटा, ये क्या थीटा कंपो, इसका मास होगा ना जी, इसका मास होगा ना कितना m, तो mg डाउनवर्ड में, थीटा ऊपर तो t cos थीटा, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, तो t cos थीटा ये हो गया, ये क्या होगा t sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा फोर्स होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो देखते हैं आगे इक्वेशन, देखिए ये फोर्स मतलब क्या कूलम फोर्स, इसके और इसके कारण ये जो पार्टिकल है इसके पास चार्ज भी है ना, ये क्या करेगा फोर्स डेवलप होगा ना। देखो तो टी कॉस थीटा इक्वेशन लिखो इज इक्वल टू एम जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, इसको 1 मान ले इसको 2 मान ले, 2 को 1 से डिवाइड कर, 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, अरे इसको डिवाइड करो ना टी टी कैंसल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या एफ बाई एम जी, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलो देखो
चलो देखो, तो ये इक्वेशन याद रखें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, f बाय mg। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू f बाय mg, इक्वेशन थर्ड। चलो देखो ध्यान से, एनएलएम में ऐसा बहुत पढ़े होंगे, स्ट्रिंग है, बॉल है, टेंशन है, कंपोनेंट लिए, cos थीटा, sin थीटा, mg, ये क्या हो गया, कूलम फोर्स अप्लाई होगा इस पे, इसके कारण फोर्स इधर, इसको ये बैलेंस किया इक्विलिब्रियम में, ये इसको बैलेंस किया, बराबर हो जाएगा, इक्वेशन लिख लिए, डिवाइड कर दिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, f बाय mg, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि सेम सिस्टम को आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप रखोगे तो आपको बताया गया है कि एफ डैश जो होगा एफ बाई के हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं रिलेटिव परमिटिविटी में, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को आप मीडियम में रखेंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा, कितना से, जितना भी उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक तो ये कंसेप्ट अपने को पता है, दूसरा देखिए सेकंड कि देखो भाई, अगर तुम इस सिस्टम को लिक्विड में रखते हो, मीडियम में रखते हो, समझना इसको, तो ये ऑब्जेक्ट मीडियम में जाएगा, अगर मीडियम में जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं उस ऑब्जेक्ट पे बॉयंसी फोर्स लगेगा फ्लूइड के कारण ऊपर, तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, मतलब आप लिख सकते हो वेट फोर्स, ध्यान से देखिएगा इसको, वेट फोर्स mg डैश, मतलब पहले वेट mg था लेकिन अगर लिक्विड में, ये लिक्विड में ले गए, मतलब मीडियम में ले गए, तब उस सिस्टम को रखे, ब्लॉक जब जाएगा उस मीडियम में तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, घटेगा, कितना घटेगा, जितना वाटर के कारण उस ब्लॉक पे, जितना मीडियम के कारण उस ब्लॉक पे बॉयंसी फोर्स लगेगा, तो आप क्या लिखेंगे, mg डैश इज इक्वल टू व्हाट, mg माइनस fb, ये समझ रहे हो आप, मैं फिर से समझा रहा हूं, mg डैश किसका वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉक का, कब, जब ये मीडियम में गया, तो अगर मीडियम में नहीं जाता तब इसका वेट, अगर मीडियम नहीं होता तो वेट क्या mg रहता, तो घटा किसके कारण, मीडियम के कारण, फ्लूइड के कारण, तो चूंकि फ्लूइड के कारण उस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा fb, तो इस फोर्स में, वेट फोर्स में इस बॉयंसी फोर्स माइनस हो जाएगा, तब अब जो वेट फोर्स बचा ब्लॉक का mg डैश, क्लियर है ना। चलो देखो, आप लिख सकते हो, देखो और थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा यहां पे, एफ वी बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू होता है रो भी जी, रो भी जी, तो रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम यहां पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए, डेंसिटी, वॉल्यूम और जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए देखिए, तो आप लिख सकते हो mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस क्या, रो भी, डेंसिटी ऑफ क्या, लिक्विड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो भी जी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी और क्या, जी। अब चलो देखो यहां पे भी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो फ्लूइड में पढ़ेंगे हम लोग,
ये पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, कोई मीडियम है, पानी है मान लो, उसमें का स्फेयर को डिजॉल्व किए, इमर्स्ड किए, तो उसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? जितना सा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम भी, अब देखो स्फेयर के लिए आप देखना चाहें तो एम इज इक्वल टू रो भी, तो वी इज इक्वल टू क्या, एम बाय रो। स्फेयर के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि स्फेयर का भी डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम को एम बाय रो के फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए, दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड है, वी को क्या लिख सकते हो, एम बाय रो, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉलिड स्फीयर, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, और क्या जी। अब देखो यार, एम जी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एम जी कॉमन कर लिए तो क्या लिखेगा, वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, लिख लिए, ये इक्वेशन आ गया अपने पास। अब चलो ध्यान से देखो, ये रफ वर्क है, इसे याद रखेंगे। चलिए देखिए, इसके बाद मैं देख रहा हूं, अरे यार, जैसे कि हमने लिया था इक्वेशन, अभी जस्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या था, एम जी था, एम जी डैश हो जाएगा, ये क्या टेंशन चेंज होगा, टी डैश हो जाएगा, है ना, सब कुछ मतलब चेंज होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, है ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये मीडियम में है, क्वेश्चन में बोला गया मीडियम में है, तो अपने का जो अपना जो फॉर्मूला आया था टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई जी, तो मान ले कि थीटा में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थीटा डैश फ्लूइड में गया तो, और थीटा डैश थीटा बराबर ही है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो ठीक टेन थीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एफ डैश अपॉन क्या, एम जी डैश लिख सकते हैं। अरे जैसे कि ये ना इसको इससे डिवाइड, तो ये आ गया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा डैश, तो इसको जब इक्वेट करोगे टी डैश, ये थीटा डैश हो गया, तो टी डैश कॉस थीटा डैश, ये क्या टी डैश साइन थीटा डैश एफ डैश, तो इक्वेट करोगे इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर लिख करके ये आ जाएगा। ये क्यों आया, क्योंकि सिस्टम मीडियम में चला गया, तो टेन थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश बाय एम जी डैश, मीडियम में नहीं था तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी था ना। अब देखो ध्यान से, इसको छाप लिए होंगे आप लोग, इस वैल्यू को याद रखेंगे, यूज करेंगे। चलिए देखिए, तो चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा चेंज होगा फ्लूइड में भी जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब देखो आप लिख सकते हो टेन थीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश बाय एम जी डैश। अब देखिए एम जी डैश का इक्वेशन ऑलरेडी ये लाया हूं मैं, एम जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो क्या लिखोगे, और एफ डैश क्या बताया था, जस्ट अभी बताया था ना कि एफ डैश क्या होगा, एफ बाई के हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एफ बाई के अपॉन एम जी का वैल्यू कितना, एम जी डैश का एम जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड,
देखो के को नीचे ले आओ तो टेन थेटा डैश इज इक्वल टू एफ बाई क्या लिखोगे के एम जी वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब चलिए देखिए, अब जब थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा होता है, क्वेश्चन में भी दे रखा है, एंगल सेम होगा, रिमेन सेम। जब हम डालेंगे लिक्विड में मतलब मीडियम में, देन एंगल रिमेन सेम। मतलब हमने मान लिया कि लिक्विड में एंगल थीटा डैश है, लेकिन है तो सेम ना, तो थीटा थीटा डैश के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो आप लिखोगे टेन थीटा डैश को आप क्या लिख सकते हो बालक, टेन थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखिए टेन थीटा को आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डैश, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में दोनों सेम रहेगा। दैट इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था टेन थीटा का वैल्यू क्या, एफ बाई एम जी। तो टेन थीटा डैश का वैल्यू क्या होगा, एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एफ बाई के एम जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देखिए एफ एफ कैंसल, एम जी कैंसल, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना, के इज इक्वल टू के बोले आओ, के इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया। क्वेश्चन में देखिए डाटा दिया हुआ था, वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना 0.8, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या 1.6। वैल्यू पुट कर दें कि कर लोगे, चलो कर देता हूं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना 1.6 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना 1.6 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना 0.8, दैट इज इक्वल टू 1.6 बाय 0.8, 1.6 माइनस 0.8, पॉइंट पॉइंट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 2, इट इज योर आंसर। मतलब आप कह सकते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास फिर।